शिवम फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर जो कि सत्यम हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का एक हिस्सा है, इनकी ओर से जालंधर के निजी होटल में प्रेगनेंसी और आईवीएफ उपचार पर एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में एमडी गायनोकोलॉजी और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर संगीता कपूर ने महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य गर्भधारण से जुड़ी सावधानियों और इनफर्टिलिटी के उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर संगीता ने इनफर्टिलिटी के कारणों पर चर्चा की और बताया कि महिलाओं और पुरुषों दोनों में इनफर्टिलिटी के कई कारक हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से तला भुना भोजन, धूम्रपान, अत्यधिक तनाव और अनियमित जीवन शैली शामिल है। तो वहीं सेमिनार के अंत में डॉक्टर संगीता ने बताया कि स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक मानसिकता को अपनाकर इस समस्या से काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। इस सेमिनार में डॉक्टर राजेश पसरीचा, MCH डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, MD डॉक्टर संगीता कपूर, MD डॉक्टर अनिल खोसला, MBBS PCMS डॉक्टर सियोना पसरीचा, MS डॉक्टर सुगंधा भाटिया, BAMS MSc और शहर के स्त्री रोग विशेषज्ञ उपस्थित हुए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, ये शिवम की तरफ से एक हम इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हमने नॉलेज सीरीज नाम दिया है। इसमें हम इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स हैं और जो भी हमें बेसिक सीखना है, इसमें हम डॉक्टर्स को, जो GPs हैं, उनको हम बताएंगे ताकि उनके पास जो पेशेंट्स आते हैं उससे उनको बेनिफिट मिले और किस पेशेंट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो उसका ट्रीटमेंट करें और बांझपन को ख़त्म करें। इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। आई एम डॉक्टर संगीता कपूर, MD इन गायनी एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग एज शिवम हॉस्पिटल एज कंसल्टेंट। तो बेसिकली यही है कि हमने जो इनफर्टिलिटी हमारा, हम लोग गायनी के हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए केसेस जो हैं वो हम ट्रीट करते हैं और डिलीवरीज, सेजेरियंस और बाकी जो एक्टिविटीज़ हर तरह की वो भी करते हैं। लेकिन इस वक्त हम जो इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं वो हम प्राइमरीली अभी इनफर्टिलिटी, जैसे कि जिनको बच्चे होने की समस्या है, उनके बारे में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सिंपल कई बार ही ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे थायराइड की बीमारी है, उसको ईजिली ट्रीट करके भी बिना किसी और प्रॉब्लम के भी ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमने ये सीरीज शुरू करी है जिसमें हम टाइम टू टाइम एक एक टॉपिक लेके उसके बारे में डिटेल में और डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे जो आए हैं गेस्ट, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी भी समाधान करने की कोशिश करते हैं।